मर गया साला। ए पाटिल, एम्बुलेंस बुला रहे। तू भी वही सोच रहा है ना जो मैं सोच रहा हूं कि मैंने 6 गोलियां चलाई हैं या 5, बताओ, मुझे भी नहीं मालूम। क्योंकि अगर मैंने 6 गोलियां चलाई हैं तो तेरी किस्मत, और अगर मैंने 5 गोलियां चलाई हैं तो मेरी किस्मत। हो जाए कौनो भरोसा नहीं भैया, ये पैंट ला और तू घरे जल्दी भाग जा। पैसे अगली बार दे देंगे। हाँ, ये बात मैं अच्छी करता हूँ कि घर का दरवाजा लॉक कर देता हूँ, नहीं तो कोई भी दरवाजा खोगा। कोई नहीं। अरे ये टेबल लैंप तो मैंने ऑफ किया था। कोई है? देखो बाहर मत निकलना, मेरे हाथ में ये क्या है, चाकू जैसा कुछ है। बेबे, और तू कब आई, कैसे आई, कितों आई? मैं हूँ ना आई, ट्रेन विच आई, जलंधर से आई। ओ ते बहुत बढ़िया, कितना ना तू आई, पैरी पौना जीता रहे। मैंने तो पहले ही मालूम सी कि तू आने वाली है। वो क्या है ना, 3 दिन से ही मेरी दाहिनी आँख फड़क रही है। ओए मार खानी है। मर्द की जब दाहिनी आँख फड़कती है तो कोई मुसीबत आने वाली होती है। तू मेनु सासा मुसीबत बोल रहा है? नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था बेबे, ये मेनु दे, थोड़ा भारी है। ओए बेबे, जपी पाना पाना पुत्र। आराम डाल। एक बात बता बेबे, ये जो मुकदर तू लेकर घूम रही है, कहीं तू बाबूजी का खाड़ा फिर से तो चालू नहीं करने वाली ना, उठा लिया। हाय रब्बा, काश मैं ऐसा कर सकती। बेटा, इस देश में हर बात बहुत अच्छी है, बस एक ही बात बहुत ही बुरी है, यहाँ औरतें पहलवानी नहीं कर सकती। ये तो मैं तेरे लिए लाई थी। क्या हुआ, क्या हुआ? कुछ नहीं, दंड पेल रहा। 101, जीता है, जीता है। 103। अरे तू जरा गलत सुन, तेरे बाबूजी दर्शन देने आए थे मुझे सपने में, और साथ में तेरे दादाजी भी थे, और दादाजी के प्राजी सभी थे। वो क्या बड़ी बड़ी मूछे, ते दुर्रे दी पगड़ी, ते लाल कनी दल्ला। हाय मैं सत्ते, हाय मैं वारी, पूरे पहलवानों दी फौजी। पता है मुझे क्या बोले? नहीं तो बोले, हाय भाग भरिए, तू शर्म कर, शर्म कर, भैंसों के तालाब में जाकर डूब मर। अरे तू इतने बड़े पहलवान की पत्नी, उससे भी बड़े पहलवान की बहू, अपने बेटे से 4 बैठक नहीं करा सकती तू? अरे वो मैं बोले, ये मुकदर जाकर उसे दे आ, और उसे बोल अगर उसने मेरे अखाड़े का नाम रोशन ना किया तो मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। वो ऐसे मालूम है बेबे कि यही सपना तू 6500 बारी पहले भी देख चुकी है, और आज को मिलाकर 3500 बारी मुझे बता चुकी है। लेकिन एक बात तू समझ ले, बाबूजी अगर अगली बार तेरे सपने में आए तो उन्हें साफ साफ कह देना कि मुझे कोई पहलवान पुलबू नहीं बनना है, मुझे तो इंडिया का टॉप मोस्ट शेफ बनना है, बावर्ची।
अरे खुद खा, शरीर बना जैसे तेरे बाबूजी का था। हाय क्या खाते थे? मालूम है क्या खाते थे? एक शेर बादाम, एक बाल्टी दूध, पांच शेर उबले हुए चने, 20 मक्के की रोटी और एक लोटा मक्खन। खाना खाना भी नहीं आता था। ये बात तू मुझे इतनी बार बता चुकी है कि मुझे जबान याद होगी, लेकिन मैं पहलवान नहीं बनूंगा, नहीं बनूंगा, नहीं बनूंगा। अरे बेटे जरा तो सोच, वाहेगुरु ना करे तू किसी मुसीबत में किसी दिन फंस गया तो अपना बचाव कैसे करेगा बता। अरे बचाव करने के लिए एक शेर बादाम की नहीं 8 ग्राम भेजे की जरूरत होती है, जो मेरे पास है। अब ये साबुन पकड़, मेरी पीठ पर लगा और नहाने दे मुझे। चल हट, बच्चे का बच्चा ही रहा, मैं नहीं लगाती। बेबे मुझे सुबह इंटरव्यू पर पहुंचना है, तो 6 बजे का घड़ी में अलार्म लगाना जरूर। मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे अलार्म की, मैं तो कुकर की बांग से ही उठ जाती हूँ। हाँ तू नहा, तू नहा। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। सॉरी मैडम, हम लोग एक जेल से भागे हुए मुजरिम की तलाश में आए हुए हैं। आई सेड गेट आउट ऑफ हियर। सॉरी, चलो। अभी तक नहीं मिला, लेकिन बहुत जल्दी मिल जाएगा। वैसे आप अपने घर के दरवाजे और खिड़की बंद रखिएगा, ओके? चलो। लिली, लिली, तुम मुझको कभी धोखा नहीं दे सकती, क्योंकि तुम मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती हो, है ना? बोलो ना, बोलो ना लिली, कि तुम मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती हो। कहो ना, चुप क्यों हो लिली? कहो ना। कौन है ये मन्नू? ये जानना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। ये वही मन्नू है जो 10 साल की सजा काट रहा था बैंक रॉबरीज, लूटपाट और तरह तरह के डकैती केसेस के सिलसिले में। अव्वल नंबर का बहरूपिया जो बात बात में भेस बदलता है। मैं चाहता हूं आप इसे अच्छी तरह से पहचान लें। ये हैं इसके कुछ रूप। कभी ये फादर डिकोस्टा बन जाता है,
कभी ये होटल मैनेजर शरद मेहता और कभी सेठ रमन भाई, ये हैं मन्नू के चंद रूप जो पुलिस रिकॉर्ड्स में हैं। आप सबको बहुत ही चौकन्ना रहना पड़ेगा क्योंकि मन्नू का अगला रूप क्या हो सकता है ये तो मन्नू ही जानता है। कौन है? मुझे 8 बजे इंटरव्यू के लिए पहुंचना था, साथ ही बच गया। अब मैं क्या करूंगा? मुझे नहीं खेलना, मुझे नहीं खेलना। ये मैंने तो आते ही मुझे मरवा देता, मेरा स्यापा मुका देता। अरे मिल गई ये टांगा। ट्रेन नहीं नहीं नहीं, क्या टैक्सी? शुक्र है टैक्सी तो मिल गई, सकता थोड़ा सा टाइम बच जाए, अभी भी इंटरव्यू का टाइम बच गया। एक्सक्यूज मी, ये मेरी टैक्सी है। एक्सक्यूज मी, ये मेरी टैक्सी है। देखो इस टैक्सी में पहले मैं बैठी थी, ये मेरी टैक्सी है। ये टैक्सी को पहले मैंने बुलाया था, ये मेरी टैक्सी। ये टैक्सी मेरी है। मेरी है, 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 मेरी है। ओए चुप, ये टैक्सी ना तुम्हारी है ना इन्ना दी है, ये टैक्सी मेरी है। चलो छेती उतरो, चलो जल्दी करो। प्लीज मैं ड्राइवर साहब, मेरा इंटरव्यू पहुंचना बहुत जरूरी है। अगर मैं 3:30 बजे तक नहीं पहुंचा तो मैनेजर वहां से चला जाएगा, और अगर मैनेजर वहां से चला गया तो मेरी नौकरी भी हाथ से चली जाएगी, और अगर हाथ से नौकरी चली गई तो मेरी फैमिली बहुत खफा होगी और मुझे मेहमान बनाएगी। चुप, जाना किधर है? गोरा है होटल मैनेजर, कॉपीकैट मैं भी। लो दोनों जाना एक ही जगह है, तो प्रॉब्लम किस गल दी है? चलो कट्टे चल रहे हैं। सॉरी, मेरा नाम बबलू चौधरी है। आपसे किसने पूछा? आपको नहीं बताया, मैं अपने इंटरव्यू की तैयारी कर रहा हूँ। वैसे साडा ना हरपाल सिंह है। आपसे किसने पूछा? आप सीधी तरह गाड़ी चलाइए, आगे देखिए, पीछे मत देखिए। अरे देखिए देखिए देखिए, तो अगर आप लोगों को झगड़ा करना है तो प्लीज गाड़ी से बाहर जाकर कीजिए। मेरा ये इंटरव्यू है, इसकी मुझे रिसल करना बहुत जरूरी है, प्लीज। ओके सॉरी। मेरा नाम बबलू चौधरी है, मैं पंजाब का रहने वाला हूँ और मैं बीए पास हूँ और मेरी उम्र 25 साल है। ओके 26 साल है। मैं बीए पास हूँ और मैंने सरला कुकिंग क्लासेस से डिप्लोमा किया है। मैं हर तरह का खाना बना सकता हूँ, बहुत अच्छा खाना बना सकता हूँ, इंडियन चाइनीज कॉन्टिनेंटल, और बैंगन का भरता मेरी स्पेशलिटी है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे बहुत दिल लगाकर काम करूंगा, बहुत अच्छा काम करूंगा, और मैं संडे को आपसे छुट्टी भी नहीं मांगूंगा। प्लीज मुझे नौकरी दे दीजिए। हाउ स्वीट है ना? वैसे शक्ल से तो तुम बावर्ची नहीं लगते। मेरी बेबी भी यही कहती है कि मुझे हीरो या मॉडल होना चाहिए था। मेरा ये मतलब तो नहीं था। मैं समझ गया आपका क्या मतलब था। आप एक्चुअली मुझसे दोस्ती करना चाहती हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अगर बात से बात निकली है तो मैं आपको बताता हूँ कि जिंदगी में मेरे दो सपने, दो नहीं तीन सपने। मेरा पहला सपना है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा बावर्ची बन जाऊं। गुड गुड। और मेरा दूसरा सपना है कि मैं अपनी बेबी को, मेरी माँ, मेरी माँ को बहुत 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 खुश रखना चाहता हूँ। वेरी गुड। और मेरा तीसरा सपना है, मैं नहीं बताऊंगा। बोलो भी। नहीं नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। ओ कम ऑन, नो कम ऑन। वैसे साडे भी तीन सपने हैं। कहो तो सा, आपसे किसने पूछा? आप सीधी तरह गाड़ी चलाइए, आगे देखिए, पीछे मत देखिए। अरे पहुंच गए, पहुंच गए, पहुंच गए। कितने पैसे हुए? 109 रुपए 75 पैसे। 109 रुपए, तो तीन लोग हैं तो 109 रुपए 75 पैसे। तीन लोगों में हमको डिवाइड करना होगा। नहीं नहीं, आपकी तो गाड़ी है तो दो में ही होगा। 100 रुपए का आधा 50 रुपए 100 रुपए का आधा 50 रुपए 9 रुपए का आधा 4.5 रुपए 75 पैसे का आधा क्या होगा? ठीक है, ये लड़की है तो ये 35 पैसे देंगी, मैं 40 दूंगा, तो हो गया 54 रुपए 40 पैसे मैं देता हूँ आपको। हरपाल सिंह जी, हरपू जी, क्या कुछ नहीं, वो हरपाल सिंह जी को पैसे। हाँ
हेलो गुड मॉर्निंग हाय गेस्ट मेरा नाम बबलू चौधरी विद अ बी प्लीज हैव अ सीट थैंक यू आई जस्ट पिक इट अप It's okay. Fine. It's okay. It's okay. Please have a seat. It's okay. ये मैंने लिया। Good morning. Hi. Hello. Hi. Sorry. Excuse me, madam. Yes. Bathroom कहाँ है? Go to your left. Thank you. Mr. Bablu Chaudhary. Yes. Your next. All right. Thank you. Sorry. Okay. Good morning. Good morning. आप सोनिया कपूर व्हाट आप अरे आप भी कमाल कर दिए पहले तो आपने वहां पर पैसे दे दिए फिर वहां से भाग गए अरे मैं तो पागल हो गया आपको ढूंढते ढूंढते ये लीजिए मैंने साइड में रखे हैं ये 54 रुपए हाँ 50 पैसे पकड़िए प्लीज ये क्या है रिश्वत नहीं सर रिश्वत नहीं ये तो इनके भाड़े का हिस्सा है मेरी बेबे कहती है कि लड़कियों से कभी पैसे नहीं लेना चाहिए बेबे रवि एक मिनट अरे ये वही है जिसके बारे में मैं तुम्हें बता रही थी एक्सक्यूज मी आपका काम हो गया ना आप जाइए यहाँ से मेरा इंटरव्यू चल रहा है मिस्टर बबलू ये यहाँ के जनरल मैनेजर है मिस्टर लांबा मॉर्निंग सर और मैं आपकी कोई बात नहीं सुनना चाहता हूँ देखिए अगर आप चाहें तो सारा पैसा अपने साथ रख लीजिए लेकिन ये इंटरव्यू बबलू जी यस सर ये इस होटल की बैंक्वेट मैनेजर है सोनिया कपूर कम है हमें तुमसे कोई सवाल करने की जरूरत नहीं जी। क्योंकि टैक्सी में तुमने मुझे बबलू कहिए सिट डाउन प्लीज ओह या थैंक यू तुमने मुझे सब कुछ बता ही दिया है मगर मैं देखिए सवाल तो ये एक्सक्यूज मी मेरा इंटरव्यू चल रहा है मगर एक प्रैक्टिकल टेस्ट बाकी है तुम किचन में जाओ और कोई ओरिएंटल डिश बनाकर लाओ किस किस्म के ओरिएंटल डिश पसंद करेंगे आप चाइनीज जापानीज कैंटोनीज पीकिंग एक्सक्यूज मी जी बबलू जी ये सोनिया का बैंक्वेट ऑफिस है कोई नाटक कंपनी तो है नहीं वैसे आप ये सब नाम बनाना भी जानती हैं यूं ही याद करके यू नो इंप्रेशन क्रिएट करना चाहती हैं रवि सोनिया जी लेट मी एक्सप्लेन लांबा जी वो बात क्या है इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ कुजीन ने मुझे खाना बनाने के लिए गोल्ड मेडल दिया है वाओ रियली आसो रियली रियली लामा जी और ये सब खाना बनाना तो मेरे माय हाथ का खेल है नेवर माइंड इट्स ओके मिस्टर बबलू जल्द ही यहाँ पर एक जापानीज डेलीगेशन आने वाली है तो आप जाकर एक जापानीज डिश बना दीजिए जापानीज डिश जी हाँ जापानीज और हमारे सिलेक्शन रूल्स के मुताबिक आपके पास सिर्फ 20 मिनट है 20 मिनट कम है बहुत ज्यादा है मैं तो ये डिश 10 मिनट में बना सकता हूँ We'll see. Thank you.
धीरे धीरे प्यार की जो आग जल गई, जितनी मस्ती दो दिलों में थी उबल गई। इसका मजा चख तो लूं मैं जरा, फिर कहूंगा मैं कि दाल गल गए। धीरे धीरे प्यार की जो आग जल गई, जितनी मस्ती तो दिलों में थी उबल गई। और इसका मजा चख तो लूं मैं जरा, फिर कहूंगा मैं कि दाल गल गए। बाजी वाह बाजी वाह बाजी वाह वाह वाह, बाजी वाह बाजी वाह बाजी वाह वाह वाह, वाह बाजी वाह बाजी वाह बाजी वाह बाजी वाह बाजी वाह बाजी वाह वाह वाह। थे तो यूं थी जिंदगी, यहाँ बेनमक हो जैसे फीकी सब्जियां। इश्क का अचार भी न बन सका, हुस्न जब न लाया था ये चटनियां। तुम न थे तो यूं थी जिंदगी, यहाँ बेनमक हो जैसे फीकी सब्जियां। इश्क का अचार भी न बन सका, हुस्न जब न लाया था ये चटनिया, हुस्न जब न लाया था ये चटनिया। हाय हाय इसका मजा चख तो लूं मैं जरा, इसका मजा चख तो लूं मैं जरा, फिर कहूंगा मैं कि दाल गल गए। रे धीरे धीरे प्यार की जो आग जल गई, जितनी मस्ती तो दिलों में थी उबल गई। इसका मजा चख तो लूं मैं जरा, फिर कहूंगा मैं कि दाल गल गए। बाजी वाह बाजी वाह बाजी वाह वाह वाह, बाजी वाह बाजी वाह बाजी वाह वाह वाह, वाह बाजी वाह बाजी वाह बाजी वाह बाजी वाह बाजी वाह बाजी वाह वाह वाह। आज तक तुम इसलिए अकेले थे, कड़वे थे कसीले थे करेले थे। आज इतने स्वीट ऐसे नेक हो, बर्थडे का जैसे कोई केक हो। हो आज तक तुम इसलिए अकेले थे, कड़वे थे कसीले थे करेले थे। आज इतने स्वीट ऐसे नेक हो, बर्थडे का जैसे कोई केक हो, बर्थडे का जैसे कोई केक हो। हाय हाय इसका मजा चख तो लूं मैं जरा, इसका मजा चख तो लूं मैं जरा, फिर कहूंगा मैं कि दाल गल गए। रे धीरे धीरे प्यार की जो आग जल गई, जितनी मस्ती तो दिलों में थी उबल गई। इसका मजा चख तो लूं मैं जरा, फिर कहूंगा मैं कि दाल गल गए।
वाजी वाह वाजी वाह वाजी वाह 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 वाजी वाह वाजी वाह वाजी वाह 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 वाजी वाह वाजी वाह वाजी वाह वाजी वाह वाजी वाह वाजी वाह वाह वाह। गुड इवनिंग। तुम अभी तक यही हो? जी हाँ, आप ही की राह देख रहा था। क्यों? मैंने सोचा कि सॉरी, मैंने सोचा कि जिस तरह हम सुबह एक दूसरे को लिफ्ट देते हुए आए थे, हाँ? अगर अभी भी वैसा हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। सॉरी, बस इतनी सी बात है। जी नहीं, सॉरी, एक्चुअली मुझे एक बात और करनी थी। मैंने ये भी सोचा कि अगर मैं आपके साथ ट्रैवल करूंगा तो मुझे आपको थैंक यू कहने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि नौकरी तो मुझे आप ही की वजह से मिली। नहीं, दैट्स ऑल राइट, नौकरी तो तुम्हें अपने काम की वजह से मिली है। आई नो। वैसे अगर तुम थैंक यू कहना ही चाह रहे हो तो देर नहीं करनी चाहिए। लेट्स गो। ओके, कम प्लीज। कम हियर। क्लास में। ओके। ओए, वेरी गुड शॉट। हेलो, कौन? गब्बा, आवाज भी नहीं पहचानता क्या? बच्चे, तेरा बाप बोल रहा हूँ। ओए, फोन करंट मारता है क्या? तू बात कर, मन्नू, मन्नू। ए मन्नू, कैसा? मुबारक हो। कितने घंटे हो गए जेल से छूटे हुए और तू हमसे मिलने भी नहीं आया। शलाको, तू भी कहाँ आया मुझे जेल में देखने को? आखिर भूल गया अपने पुराने साथी को? नहीं, कैसी बात करता है, दोस्तों को कोई भूल सकता है? सही कह रहा है। वैसे अच्छा क्या कि तुम लोग मुझसे मिलने के लिए नहीं आए, वरना खाम का पुलिस को शक हो जाता है कि बैंक की लूट में तुम लोग मेरे साथ। आवाज मत कर ले। वैसे मैंने भी खूब दोस्ती निभाई ना, जबान नहीं खोली, क्योंकि बेईमानी का धंधा भी मैं ईमानदारी से करता हूं। ए, सुना है लूट के माल से तुम लोगों ने शरीफों के धंधे शुरू कर दिए। बहुत इज्जतदार हो गए हो शलाको। वक्त के साथ साथ बदलना ही पड़ता है। मिलने कब आ रहे हो? बस आ रहा हूं थोड़ी देर में, मेरा माल तैयार रखना है। मारे गए। अब नाउ व्हाट विल हैपन, टेल। मेरे दिमाग में एक बात आई है, पुलिस को बताकर उसे जेल भिजवा दे। नहीं नहीं, दिल तो करता गोली मार दूं तुम दोनों को। पिछली बार तुम लोगों के कहने से मन्नू को सिर्फ जेल भिजवाया था, परलोक भिजवा देना चाहिए था। ओए, मगर उसे परलोक कौन भेजेगा? हम? मैं मन्नू को बरसों से जानता हूं, वो ऐसा बहरूपिया है, किस रूप में आएगा, कब आएगा, किसी को नहीं मालूम, और उसकी निगाह सिर्फ हम तीनों पर रहेगी, इसलिए ये काम करेगा टोनी। फोन करो टोनी को कि अपने सारे शार्प शूटर्स लेकर हमारे क्लब में अभी आ जाए। मेरी और मन्नू की इस जंग में किसी एक को तो मरना ही है, मेरे हाथ में मौत की रेखा ही नहीं है, इसलिए आएगा मन्नू जिंदा, लेकिन चाहेगी उसकी लाश। हेलो टोनी, मैं गप्पा बोल रहा हूँ, आधे घंटे में क्लब में आ जा, आज मन्नू को खत्म करना है। छोटा ही मैडम। Swahili, 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 Swah
मैं है जबी तू दिल नशी तू दिल है तेरे नाम ए हसीना मैं मुसाफिर आऊंगा फिर आज है कुछ काम मुझको है जाना मुझको है जाना वो आराम से देख देख मैं यहाँ पर किसी से झगड़ा करने नहीं आया हूँ हाँ मैं इन तीनों से अपना पैसा लेने आया हूँ लेकिन कमाल है यहाँ तुम लोगों का ये देखो मैं ये मूछ दाढ़ी लगा कर आया फिर भी तुम लोग पहचान गए टोनी छोड़ हम अभी नहीं शराब को तूने तो मुझे छोड़ दिया लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा लिली क्यों अपने आशिक को अपनी आंखों के सामने मरते देखना चाहती है जा चली जा मैंने तेरे से कहा था ना कि चली जा यहां से फिर क्यों नहीं गई तू अभी जा अरे जा जा यहां से वर Thank you.
अरेंजमेंट्स टाइम पे होने चाहिए. लिस्ट मुझे दिखाना एंड प्लीज डबल चेक. ओके ओके मैम. ओके टाइम है 12:30 तो हाँ बस एक एक हाँ. ओह हेलो बबलू, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी. वो जो जापानीज डेलीगेशन अगले हफ्ते आने वाला था वो कल आ रहा है बबलू. कल का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है. जी. पूरे 60 लोगों का डेलीगेशन है लंच पर. जी. और यूं सोचो अगर उन्हें हमारा खाना पसंद आया तो अगले 5 सालों का बिजनेस हमारा हो जाएगा. आप फिक्र मत कीजिए, उनको हमारा खाना जरूर पसंद आएगा. आई रियली होप सो. देखो देखो ये मेरी इज्जत का सवाल है. सोनिया जी, आपकी इज्जत मेरी इज्जत. आप देखिए कल मैं क्या कमाल करता हूँ. ओके तो तुम मेन्यू सिलेक्ट कर लो. जी. लेकिन मुझे दिखा जरूर देना. ओके सोनिया जी, एक मिनट प्लीज. क्या है सोनिया जी, आपने सुबह से कुछ खाया नहीं है ना, तो इसके लिए मैं ये केक आपके लिए बना कर लाया हूँ. हाँ हाउ स्वीट. स्वीट ही तो है, खा के देखिए ना. मेरे हाथ दैट्स राइट. कहीं कहीं डिलीशियस. अच्छे कुक हो तुम. गुड कुक. थैंक यू. अरे मुझे काम है, मैं बाद में मिलती हूँ. देखूंगा. चांद की बहनी देखो. क्या हुआ? हाय रब्बा, तेरा मुंह क्यों इतना उतरा हुआ है? क्या हुआ, क्या हुआ मेरे बच्चे को? क्यों? बहुत थक गया हूँ बेबे, नींद आ रही है. अरे मैं जानती थी ऐसा ही होगा. अरे ना कसरत करता है, ना दूध पीता है, ना बादाम घी खाता है, थके जाने तो और क्या होगा. ओ ऐसी बात नहीं है बेबे, मुझे कल 60 जापानियों का खाना बनाना है, उसी की तैयारी कर रहा था. अरे खाने की तू बिल्कुल फिक्र ही मत कर. 60 क्या, 600 आदमियों का खाना एक दिन में बन सकता है. मैं कल चलूंगी तेरे साथ. अरे नहीं नहीं ना बेबे, ना ना तू मत आना. मेरा मतलब ये जापानी खाना बनाना तेरे बस की बात नहीं है. क्यों? अरे ये मैं जापानियों की क्या माए नहीं होती? नहीं नहीं बेबे. अरे माँ के हाथों का बना खाएंगे तो अपनी उंगलियां चटते रह जाएंगे. बेबे ये जप्पी पा. अरे मेरा पुत्र. जय भोलेनाथ. बस पटेल और अशोक ने सारे मसाले तैयार कर दियो तो सब काम चपट हो जाएगा. अशोक, अरे अशोक, राजू, पटेल, पता नहीं कहां चले गए सबके सब लोग. यही तो मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हारे सबके सब असिस्टेंट्स एक साथ छुट्टी पे कैसे चले गए. हाँ बबलू, कहीं तुम्हारा किसी के साथ झगड़ा तो नहीं हुआ? हाँ नहीं नहीं सर, मैं तो झगड़ा वगड़ा करने वाला आदमी नहीं हूं ना सर. मगर आप फिक्र मत कीजिए सर, आज जो खाना इस होटल में बनेगा वो इस होटल के इतिहास में यादगार रहेगा. आखिर सोनिया जी की इज्जत का सवाल जो है. वो सब ठीक है लेकिन तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है बबलू जी. वी विल सी जी. को करना है ड्राई ड्राई, इसको रखना है ड्राई 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 ड्राई, और इसको तो चिक 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 चिक, और यहाँ पानी. हाय बजाय मास्टर, ये रात बजाय मास्टर. सनी साइड अप. बबलू बेबे, मेरा पुत्र. आयो रब्बा, इतनी बड़ी जगह,
तू क्या यहाँ अकेले काम करता है? अरे बेबे तू कब आई, क्यों आई, कितों आई? तू पहले मेरे सवाल का जवाब मार मत। तेरा यहाँ हाथ बटाने वाला कोई है कि नहीं है? अरे बेबे हैं बहुत सारे, लेकिन आज गए हुए हैं सब। कहाँ गए? अरे छुट्टी पर गए होंगे, तू जाना बेबे यहाँ से। तभी मैं कहूँ मेरा जी क्यों घबरा रहा था घर में। अब तो फिक्र न कर, मैं आ गई ना, कोई गल नहीं, मैं सब कर देती हूँ। अरे ना 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 बेबे, हाथ नहीं लगाना, हाथ नहीं लगाना बेबे, मैं सब संभाल लूंगा, तू घर जाकर आराम कर। बेबे नहीं, मैं मेरे फिक्र में छोड़ दे बेबे, तू बाहर चल, मेरे पास काम नहीं है बेबे। मुझे नहीं आता पुत्र, बेबे तू घर चल, अंदर किसने आने दिया? तू बाहर चल, मेरा टाइमर वेस्ट कर, मुझे बहुत काम करना है बेबे। बेबे नहीं बोला ना बेबे, फोन चुप कर, ये ले जब भी बात फोन कर जा। अरे मेरी कच्ची दे, कच्ची दे, अंदर किसने आने दिया इसको? जा जा जा, हूं जा। बेबे कभी कुछ मालूम नहीं, कहीं पे भी घुस जाती है, कहीं पर भी चले आती है, उसको मालूम नहीं। यहाँ पर इतना सारा बबलू, सब कुछ रेडी है? जी हाँ। तो बाहर चल के अरेंजमेंट्स और डेकोरेशंस देख लो। हाँ जी हाँ। शक्ल अच्छी लग रही है सोनिया जी। हाँ आप बहुत अच्छी लग रही हैं। हट बबलू, बबलू बेटा कहाँ चला गया बबलू? अरे खाना बन गया, मैं देखूं तो दीवानी को कुछ आता थोड़ी है बनाना। एकदम फीका बबलू, तो नमक डालना ही भूल गया। सुनता कहाँ है मेरी बात? इसमें तो तड़का लगता है, उसे कौन अब समझाए। न मिर्च न नमक न गरम मसाला न कुछ, कौन खाएगा ऐसा बदमजा खाना? कौन खाएगा? कोई नहीं खाएगा, कोई नहीं खाएगा। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ये देखो अरेंजमेंट सब ठीक है ना, तुम्हें ठीक लग रहे हैं? बहुत अच्छे हैं सोनिया जी, ये अरेंजमेंट्स तो बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल आपके जैसे। सच? अच्छा मैं लांबा से कह दूं कि डेलीगेशन को नीचे लंच पे ले आए। अरे आप इतनी फिक्र क्यों कर रही हैं, सब खाना तैयार है। तुमने सारा खाना खुद तैयार कर लिया? ये क्या था? He's funny. प्यार हुआ, इकरार हुआ। बेबे मैं तो तुझको बाहर छोड़कर आया था, तू यहाँ पर क्या कर रही है? और बेबे ये क्या कर रही है तू? तूने जो गड़बड़ की थी ना वो सब मैंने ठीक कर दिया, बिल्कुल ठीक कर दिया। क्या कर दिया? तड़का भी डाल दिया, तुमने लगता ना पीस तड़का लगा दिया बेबे। अरे बेबे ये जापानी खाना, इसमें तड़का नहीं लगता है बेबे, ये पंजाबी खाना नहीं है। ओए खाना चाहे जापानी हो या पंजाबी, स्वाद तो होना चाहिए ना। ये देखो देखो आलू का पराठा बना दिया। खा खा देख देख देख। ओए रहने दे तू। ओए मेरी नौकरी तो गई, मेरी नौकरी तो गई गई गई। ओए तू बाहर चल, जाएगी तेरी नौकरी। बेबे तू बाहर जा, अपने हाथ। ओए तू बाहर चल बेबे, बेबे मेरा पीछा छोड़ दे, मेरा पीछा छोड़ दे। ओए तू बाहर चल, ये ले ये डाल, बाहर चल, बाहर चल, चल बाबू। अरे चल जल्दी करो, जल्दी करो, उधर ठीक से। क्या है सोनिया जी? हाँ? मुझे आपसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी। नहीं बबलू अभी नहीं, वो जापानी लोग किसी भी वक्त आते होंगे। सोनिया जी मुझे उन जापानियों के बारे में ही बात करनी है। क्या है बबलू? सोनिया जी मैंने जो ये खाना भेजा है ना, ये जापानी नहीं है। लेकिन तुमने तो जापानी खाना बनाया था ना? लेकिन अब ये पंजाबी बन चुका है। जापानी खाना पंजाबी कैसे हो सकता है? ओफो, क्योंकि मेरी माँ पंजाबी है ना। तो तुम्हारी माँ का जापानी खाने से क्या ताल्लुक है? जापानी खाने से ताल्लुक नहीं है, लेकिन पंजाब से ताल्लुक है। तुम्हारी माँ जापान गई है? पंजाब से आई है। माँ जापानी पंजाबी खाना? नो 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 नो, माँ पंजाबी खाना जापानी। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, ये जो जापानी खाना मैंने जापानियों के लिए बनाकर भेजा है ना, इसमें इसमें पंजाबी मसाले पड़ गए। Welcome, welcome. Please come in. आइए, Come in. पब्लू, वो तू मुझे मरवा देता, मेरा स्यापा मुका देता, मैंने नौकरी तो निकलवा देता। अरे पर मैंने क्या किया? मेरे को चुप कर, चुप कर, चुप कर, मैंने बोलने दे। वो तू जदों भी पिंडो आंदी है ना, कोई ना कोई स्यापा खड़ा कर देती है, मुसीबत खड़ी कर देती है मेरे लिए। मैं? ओ नहीं तो मैं। ओए बेबे तू समझती क्यों नहीं, मैं हूं बच्चा नहीं रहा, नहीं रहा, नहीं रहा। ए पिंटे मुंह,
बेटा चाहे कितना भी बड़ा हो जाए वो माँ के लिए तो बच्चा ही रहता है बच्चा। ठीक है फिर मेरी जरूरत नहीं रही, मैं जाती हूँ घर, लेकिन आज के बाद मत कहना बेबी जब पिपा, नहीं कहना, कभी नहीं कहना, नहीं सुनना है मुझे बेबी। सुना नहीं आपने, कह रहे हैं कि अपने बावर्ची को बुलाओ, जाओ बुलाओ। ओह नो बबलू, बबलू ये क्या कर रहे हो तुम? सोनिया जी ये मैं अपनी जान ले रहा हूँ, आई एम सॉरी। जान तुम बाद में लेना बबलू, पहले अंदर चल के सबको बताओ कि गलती मेरी नहीं तुम्हारी की। नहीं सोनिया जी मैं अंदर नहीं जाऊंगा, अंदर जाऊंगा तो जवानी बहुत मारेंगे प्लीज। और मारना तो तुम्हें चाहिए। सोनिया जी मुझे माफ कर दीजिए, अब चलो मुझे अंदर मत जाइए। अब जो किया है उसकी सजा तो मिलेगी, बहुत मारेंगे सोनिया जी। अंदर चलो बबलू। सोनिया जी, सोनिया जी, सोनिया जी, सोनिया जी मेरी बात तो सुनिए। देखिए मैं आपके घर में नौकर बन के रहूंगा, बावर्ची बन के रहूंगा, खाना बनाऊंगा, संडे को छुट्टी भी मांगूंगा। अरे आप ये खड़ा क्यों हो रहा है? हेलो, नी से चोई हाओ द छुसु कराटे से वो यी सेंग दान जोंग कंग फू सो जियन दाओ द चोई हाओ चोई हाओ द छुसु। हां बबलू, हां ये तो कह रहे किन सबको तुम्हारा खाना बहुत पसंद आया। वहाँ क्या कर रहे हो? नीचे पता नहीं, आता हूँ आता हूँ, एक मिनट। I'm okay, all right, please. इडियट बीच में खड़ा हो गया, आओ। हेलो कौन? मारुति। हाँ बोल। हाँ अभी अभी मैंने मन्नू को एक लड़की के साथ सी साइड रेस्टोरेंट में जाते हुए देखा है। तेरी खबर पक्की है? एकदम पक्की साहब। गुड, वेरी गुड। सोनिया जी मैं आपसे हाँ मैं जानती हूँ तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो, कम ऑन टेल मी। बता दूं? कम ऑन बबलू। सोनिया जी मेरा एक सपना है। अच्छा? हाँ, मैंने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से शादी कर ली है। बिल्कुल आपके जैसी। कौन? और सुहागरात पर वो दुल्हन के कपड़े पहने हुए मेरे पलंग पर बैठी है और मैं आहिस्ता आहिस्ता उसके पास जाता हूं। फिर मैं उसका घूंघट उतारता हूं और फिर मैं हाँ अपने हाथों से कौन उसे हाँ वड़ा पाव खिलाता हूँ। वड़ा पाव? वड़ा पाव जरा इधर आना। थैंक यू। बबलू तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिले? चाय हो गया, थैंक यू। कथैया वाली एक लड़की एक ही बात पर बिगड़ती है। कथैया वाली एक लड़की एक ही बात पर बिगड़ती है। तुम मुझे क्यों नहीं ले पहले रोज कहकर मुझसे लड़ती है। कथई आंखों वाली एक लड़की एक ही बात पर बिगड़ती है। तुम मुझे क्यों नहीं मिले पहले
रोज कहकर मुझसे लड़ती है। कथई आंखों वाली एक लड़की हे 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 ला 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 मुझको तुमसे प्यार नहीं है, रूप के मुझसे कहती है, लेकिन हर कागज पर मेरा नाम वो लिखती रहती है। मैं भी उसका दीवाना हूँ, कैसे उसको समझाऊँ। मैं भी उसका दीवाना हूँ, कैसे उसको समझाऊँ। मुझसे मिलना छोड़ दे वो तो मैं एक दिन में मर जाऊँ। कथई आँखों वाली एक लड़की, एक ही बात पर बिगड़ती है। तुम मुझे क्यों नहीं ले पहले, रोज कहकर मुझसे लड़ती है। कथई आंखों वाली एक लड़की हे 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 ला 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 la 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 तुमने सपने के बारे में बताया, सपने में लड़की के बारे में बताया, लड़की का नाम क्यों नहीं बताया? बताऊंगा, लेकिन फिर कभी। फिर कभी क्यों? अभी क्यों? ओह नो पब्लू, प्लीज। नो प्लीज। यस प्लीज। ओके, लड़की का नाम है मन्नो। धत, ये तो लड़के का नाम है। हम दोनों कौन है? मैं देखता हूँ। हाय, आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? कोई मिनिस्टर आया हुआ है? नहीं, गैंगस्टर आया हुआ है। गैंग, सॉरी, कौन गैंगस्टर? मन्नू। मन्नू कौन? तू। अरे क्या कर रहे? अरे ये क्या कर रहे हैं? अरे मुझे नीचे क्यों दबा रहे हैं? अरे मेरी बात तो सुनिए, क्या कर रहे हैं? अरे 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 रुके 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 अभी। पब्लू। हे मनिया, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, जेल से भागने में तेरी मदद किसने की थी, अब तो बता। अरे सर, मैं तो कभी जेल गया ही नहीं, तो जेल से भागूंगा कैसे? और मैं मन्नू नहीं हूँ, प्लीज। इडियट, बेवकूफ बनाता है तू, हाँ? शाना समझता है अपने आप को? चलिए बता, ये लड़की लिली तेरी गैंग में कब से शामिल है? लिली? यस लिली। तुम लिली हो? नेवर, डोंट बी सिली। और मेरा नाम लिली वली नहीं है, मैं सोनिया हूँ, सोनिया कपूर। और मैं भी कोई मन्नू गैंगस्टर नहीं हूँ। अच्छा, ये लिली नहीं है, तुम मन्नू नहीं है? नहीं, तो शायद मैं भी इंस्पेक्टर आर के ठाकुर नहीं हूँ। Maybe. That nonsense, Mr. Thakur. Put that down immediately. I said, how dare you? The authorities bestowed upon you do not give you the right to unjustified detention. I shall report the matter to the Prime Minister's Relief Fund. Yeah. Yes. Yeah. अब आप देख क्या रहे? Dial कीजिए 20 20 20 extension 20. Yeah. और बात कीजिए हमारे होटल के मैनेजर मिस्टर लामा। Yeah.
मैं वहाँ की बैंक्वेट मैनेजर हूँ और ये मेरे शेफ यहाँ ये मेरे शेफ हैं इधर आ गुड इंग्लिश इधर आ आओ होटल में काम करने का आइडिया किसका था मनु मैं मनु दादा नहीं हूँ सर तू मनु नहीं है राइट तू बबलू है इसका कोई गवाह है तेरे पास कोई प्रूफ है बेबे बेबे मेरी माँ इसकी माँ को बुलाओ हाँ सर अभी मैं अपनी माँ को फोन लगाता हूँ गुड आइडिया थैंक यू अब देखना मेरी माँ यहाँ पर आएगी और मुझे सोनिया जी के साथ देखेगी नहीं सर मैं अपनी माँ को यहाँ पर नहीं बुला सकता क्यों बाबू नहीं सोनिया मैं अपनी माँ को यहाँ पर नहीं बुला सकता प्लीज देखिए सर अगर मेरी माँ यहाँ पर आ गई ना तो वो मेरा मर्डर कर देगी मेरा मतलब है कि आप मेरा मर्डर कर दीजिए लेकिन मैं अपनी माँ को यहाँ पर नहीं बुलाऊंगा सर है? सर आप बात समझने की कोशिश कीजिए वो अगर यहाँ पर आ गई आप मुझे फांसी दे दीजिए सर लेकिन मैं अपनी माँ को यहाँ पर नहीं बुला सकता फंस गया तू मनु फंस गया भैया माँ होगी तब आएगी ना माँ ही नहीं है तो कहाँ से आएगी मिस इंग्लिश प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड धोखेबाज अगर मुझे तुम्हारी असलियत का पहले पता होता तो मैं खुद तुम्हें पुलिस के हवाले कर देती सोनिया सोनिया यस मैं तो तुम्हें पहले ही कहता था लेकिन तुम इतनी भोली हो के हर एक के ऊपर भरोसा करती मिस्टर लामा जी मैं तो आपको जानता हूँ इंस्पेक्टर साहब ये सोनिया कपूर है हमारी बैंक्वेट मैनेजर ओके हमारे होटल में काफी सालों से काम करती है और ये बबलू है या मनु गैंगस्टर इंस्पेक्टर साहब आई रियली डोंट नो मैं इसकी गारंटी नहीं ले सकता बिकॉज़ आई डोंट नो मैं इनकी गारंटी ले सकता हूँ इट्स ऑल राइट आप इन्हें ले जा सकते हैं आप इन्हें मिस्टर सोनिया थैंक यू लावा साहब अरे बबलू अरे बबलू भाग जाएगा अरे मैंने जो केक आप लोग मुझे मारेंगे नहीं 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 मारेंगे नहीं थैंक यू है की कह रही है मेरा पुत्र जेल में अरे पुलिस वालों की मत तो नहीं मारी गई क्या क्या सबूत मांग रहा है मैं हूँ आती हूँ सबूत लेकर पूरा पुलिस थाने ऊपर नीचे कर दूंगी बर्बाद कर दूंगी सबको हाँ मुझे कौन है आप मैं कौन हूँ मैं बबलू की माँ हूँ माँ आपके पास क्या सबूत है कि आप उसकी माँ है अरे पिटे मुंह तेरे पास क्या सबूत है कि तू अपनी माँ का बेटा ये मुझे बबलू नहीं कोई और समझ रहे हैं बताना इनको ये बबलू है रब्बी सो ये बबलू है मेरा बच्चा बबलू देखो तू ये तस्वीर देख बचपन की फोटो देख इसकी बेबे दिखाना मुझको अंदर के मेरे में गए थे ना और ये तो तुमने देखा ही नहीं पिछले साल की तस्वीर है जब माता शेरा वाले के दर्शन के हम लोग गए थे ना तब खिंचवाई थी बेबे इसे बहुत सुंदर लग रही थी देखा सारे सबूत आई मैं गुस्सा बाद में कर पहले मेरे बेटे को खोल जल्दी गलती हो गई हाँ तू जीता रहे खुश रहे भगवान तुझे कमिश्नर बना दे जा थैंक यू इंस्पेक्टर साहब चल घर चल के पूरा अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100 में लगा धागा चोर निकल के नहीं भागा कप्पा कौन मेंटेनेंस सर आओ किसी और को बुलाया है क्या अरे नहीं रे ना 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 तेरे सिवा और किसको बुलाऊंगा अरे सिटी मत बजा रहे कौन है ये तो टीवी मैकेनिक है टीवी ठीक करने आया है अच्छा। डार्लिंग तेरे सिवा मेरी जिंदगी में और कोई नहीं झूठे कहीं के तू बहुत चालू हो गई है रे बातें मत बना जल्दी से आजा डार्लिंग बहुत मन कर रहा है मिलने को ओके बाय क्यों बे मुफ्त की पगार लेते हो क्या टीवी पहले से ठीक करके रखने में तुम्हारे बाप का कुछ जाता है क्या तुम छोटे लोगों की एक ही प्रॉब्लम है हराम खोर मुफ्त की खाने की आदत पड़ गई तुम लोगों को अब हराम की तो सभी खाते हैं सेठ क्या कहा
मुझसे जबान लड़ाता है, अपना काम करो चलतावन। क्यों से कोई लौंडिया आने वाली है क्या? मुझसे पूछता है, मुझसे पूछने की तेरी हिम्मत कैसे हुई साले? तेरी औकात क्या है? मल्लू पहचान लिया ना तुम्हारा पुराना साथी मन्नू? अब बता कि हराम की कमाई कौन खाता है, तू या मैं? गब्बा, तो तू मुझे जेल भेजकर मेरे पैसों से आराम से यहां पर टीवी देख रहा है। अच्छा तुझे टीवी देखने का बहुत शौक है ना? नहीं नहीं, टीवी का बहुत शौक है तुझे, तो आ ना, मैं तुझको टीवी दिखाता हूँ। क्या है कि इतनी दूर से टीवी दिखाई नहीं देगा? क्योंकि तेरी दूर की नजर कमजोर है ना, इसलिए तो मुझे पहचाना भी नहीं तूने। आ जा जरा करीब आ जा, तुझे टीवी दिखाता हूँ। अरे आ ना, अरे आ जा, आ जा, आ जा, आ जा, चल, आ जा। साला मेरे पैसों से मुर्गा खाता है, चल चल तेरे को टीवी दिखाता हूँ। आजा आजा, अभी दिखता है? हाँ नहीं दिखता है, पास से देख, अभी दिखता है? मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, इसको माफ कर दे, तो माफ कर दे तो। फैक्ट इज कमिश्नर, हमारा दोस्त हमारा साथी गप्पा इसलिए मारा गया क्योंकि आपके डिपार्टमेंट ने एक पकड़े हुए मुजरिम को छोड़ दिया। हाँ जनाब, क्यों छोड़ दिया आपने उसको? आपके रिश्ते में लगता है। छानबीन करने के बाद हमने उसे छोड़ा है, उसकी माँ आई थी पुलिस स्टेशन, उसके फोटोग्राफ्स देखे, तब हमें पता चला कि वो मन्नू नहीं बबलू था। वो बबलू नहीं मन्नू था, मन्नू जो बबलू बन के इसको बेवकूफ बना गया। शायद ये जानता नहीं कि मनु जो है वो बहुत बड़ा बहरूपिया है, वो कोई भी गेटअप कर सकता है। सर तो फिर माँ का क्या, उन फोटोग्राफ्स का क्या सर? ओ जनाब, 100 रुपए में भाड़े दी माँ मिलती है, 50 रुपए में फोटो और कागजात मिलते हैं। अरे उसे बबलू कहो या मन्नू कहो, दोनों एक ही बंदे का नाम है। तुझे पैसे कितने मिले मनु से, सीधी तरह से बोल। गलत इल्जाम लगा रहे हैं आप मुझ पर, मैं एक ईमानदार ऑफिसर हूँ और कमिश्नर साहब का साला भी। आप कुछ बोलते क्यों नहीं है जीजा जी? जी ऑफिस इंस्पेक्टर ठाकुर, बिहेव योरसेल्फ। मिस्टर शलाको एंड मिस्टर ढींगरा, मन्नू आप ही लोगों का पुराना साथी था, क्या ये सच नहीं है? जी वो बैठिए बैठिए। कमिश्नर साहब आप अपना रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, हमने ही उसे जेल करवाई है। अच्छा, इसीलिए वो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है? इनकी हिफाजत भी हमारी ही जिम्मेदारी है, इससे पहले कि मनु इन पर हमला करे हमें उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार करना होगा, समझे इंस्पेक्टर ठाकुर? ठीक है, तेरे को जाना है तो जा, लेकिन देखना मैं भी ना खाना खाऊंगा ना वर्जिश करूंगा और कोई गंदी सी लड़की देख के उससे शादी कर लूंगा। बहन जी क्या है? तो ये आप मुझसे शादी करेंगी? और देखना पुत्र, तू क्या बड़बड़ा रहा है, क्या बड़बड़ा रहा है तू? बेबे तू मत जाना। पुत्र तेरे पर बहुत बुरी परछाई पड़ी है। अरे मुझे तो लगता है राहु केतु की दशा है, मैं चारों धाम करके आऊंगी ना, फिर सब ठीक हो जाएगा। पर बेबे तू चले जाएगी तो मैं फिर से अकेला पड़ जाऊंगा ना। और हाय पुत्र, मैं तेरे लिए तो जा रही हूँ ना, तू समझता क्यों नहीं, मुझे कोई शौक थोड़ी ना है अपने पुत्र से दूर जाने का। तो फिर क्यों जा रही है? तुझ पर किसी कमीने की नजर पड़ी है, बुरी नजर, तू समझता क्यों नहीं। मैं वहाँ तीरथ पर जाऊंगी, पूजा पाठ करूंगी, तब सब ठीक कर देगा ना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। पुत्र नौरू 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 बबलू 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 क्या है चप्पीपा? अरे मेरा लाल मेरा बेटा बबलू। फोन खराब है बबलू। कहा ना फोन खराब है? मैं सोनिया बोल रही हूँ। रॉन्ग नंबर। ओ बबलू तुम अभी भी नाराज हो मुझसे?
नहीं नहीं, मैं क्यों नाराज होने लगा? और वैसे भी मैं बबलू नहीं हूँ, मैं तो वो हूँ, वो मन्नू, मन्नू द मर्डरर। ओ स्टॉप इट बबलू, अब छोड़ो भी गुस्सा। अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी। अब बोलो कब मिलते हो? नहीं, मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता। तुम्हें मुझसे मिलना होगा, मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। आज शाम को 4 बजे हिल्टॉप रेस्टोरेंट, ठीक है बबलू? तुम आओगे? मैं वहाँ पर नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा। मैं जानती हूँ तुम जरूर आओगे। एक शरारत होने को है, एक कयामत होने को है, होश हमारे खोने को है, हमको मोहब्बत होने को है। लाए 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 लाए। एक शरारत होने को है, एक कयामत होने को है, होश हमारे खोने को है, हमको मोहब्बत होने को है। लाए 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 लाए। चलते हैं गाते गाते, सोचा न जाते जाते, जाएंगे दोनों हम कहाँ। आँखों में हल्के हल्के सपने हैं झलके कल के, सब इश्क के हैं ये निशान। ओ तुम अब ये मानो या न मानो मेरी जान। लाए 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 लाए। एक शरारत होने को है, एक कयामत होने को है, होश हमारे होने को है, हमको मोहब्बत होने को है। लाए 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 लाए। जो बोले बोले आगे न कहना दास्तां, दुनिया में कैसे कैसे है लोग ऐसे वैसे, दुश्मन है देते सब यहां। शरारत होने को है, एक कयामत होने को है, होश हमारे खोने को है, हमको मोहब्बत होने को है। लाए 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 लाए।
लाई 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 देखिए आप लोग गलती कर रहे हैं, देखिए ये सरासर पुलिस का अत्याचार है। मैं प्रेस पर रिपोर्ट कर दूंगा, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, एशियन एज, लोकसत्ता, जनसत्ता, सब अखबारों के पहले पन्ने पर फोटो छप जाएगी आप लोगों की। ये देखा तूने? देख, ये कहां से पैदा हो गया हमारा डुप्लीकेट हम शक्ल? लगता है इसका हमें फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि इसकी मौत में हमारी जिंदगी लिखी हुई। तू कहां जा रहा है? तू यहीं पर ठहर, मैं देख कर आता हूं। डुप्लीकेट। मिस्टर ढींगरा, थैंक यू। पटाखा है पटाखा, आज तो बॉस की रात रंगीन हो गई। ओ मेरे यार, मैं जानता तू राग कर रहा है। कमाल है ना, अब ने डरा दिया। मन्नू नहीं जीजाजी, ये काम मन्नू का नहीं हो सकता। मन्नू को तो अपने हाथों से अपनी जेल में बंद किया है मैंने। ये काम मन्नू का, इंस्पेक्टर मन्नू का। कमिश्नर,
उस कमीने मनु ने ढींगरा को मारा है। अगर मनु ने ढींगरा को मारा है तो जेल में जो बंद है वो कौन है? डुप्लीकेट। डुप्लीकेट? 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 हाँ, डुप्लीकेट। ये एक नहीं है, एक ही शक्ल के दो आदमी हैं। वाह, क्या जेरॉक्स मशीन है ऊपर वाले के पास? दोनों सेम दिखते हैं। कौन सा डुप्लीकेट है और कौन सा ओरिजिनल है ये बताना मुश्किल है। अब हमारी तकलीफें तो और बढ़ गई ना, अब ये बबलू का क्या करेंगे? जीजा जी, ये ऑफिसर साले, मेरा मतलब इंस्पेक्टर ठाकुर, बिहेव योरसेल्फ। सर, हाँ, एक आईडी कार्ड बनाकर बबलू को दे दो जी, ताकि अगर दोबारा हमसे कोई गलती हो जाए तो आईडी कार्ड देकर पहचाना जा सके कि कौन असल है और कौन डुप्लीकेट। यहाँ पे ना देख बेटे, ये तेरा आईडी कार्ड है जी, है? इसे हिफाजत से रखना। मनु और बबलू के बीच का फासला ये आईडी कार्ड है। किसी पुलिस वाले ने पकड़ लिया तो उसे दिखा दिया और फिर हो लिया, समझे? यस, मिल गया हमको आईडी कार्ड, मिल गया हमको आईडी कार्ड, मिल गया। जोनियो जोनियो सुन ले तू। बेबी आ गई छुपा छुपी। छुपा छुपी ओ छुपी, आगड़ बागड़ भागे रे चूहे मामा, ओ मामा बाघ बिल्ली आई रे। बिल्ली बोली म्याओ, काहे घबराओ, बेबे आई काशी से, गले मिल जाओ। बेबे जब पिबान बेबे तू सिगरेट पी रही है? मैं कौन? हेलो जी, आप? ना 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 बबलू, तू सपना नहीं देख रहा है। मैं हूँ मन्नू दादा और तू है बबलू। आई न्यू इट। मेरा डुप्लीकेट। अच्छा, तो आप हैं मन्नू दादा। मालूम है आपकी वजह से मुझे कितनी तकलीफ हुई है? दो बार पुलिस ने मुझे जेल में डाल दिया है मन्नू दादा समझकर। और वो सोनिया, सोनिया मेरी गर्लफ्रेंड, वो भी नाराज है मुझसे। वो तो भला हो इस आइडेंटिटी कार्ड का जो पुलिस ने मुझे दे दिया है, कि दोबारा ऐसी गलती ना हो। अरे आप ये जबान क्या दिखा रहे हैं बार बार मुझे? चिढ़ा रहे हैं आप मुझे? देखिए, मैं जानता हूं कि आप लोग इस घर में बिन बुलाए मेहमान हैं, मगर क्या है, अगर मुझे किसी ने आप लोगों के साथ देख लिया ना तो मुझे बहुत तकलीफ हो जाएगी। तो आप ऐसा कीजिए, आप अपने दोस्तों को लेकर यहाँ से चले जाइए। प्लीज आप लोग चले जाइए। मनु आता अपनी मर्जी से है और जाता भी अपनी मर्जी से है। शोले? नहीं 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 नहीं, सीता गीता नहीं, जम चल, ये आईडी कार्ड मुझको दे। नहीं नहीं, ये आईडी कार्ड मैं आपको नहीं दे सकता। चुपचाप से ये आईडी कार्ड मुझको दे। नहीं नहीं, ये मैं आपको नहीं दूंगा। देखिए, बेबे कहती हैं घर आया हुआ दुश्मन भी मेहमान होता है, और मेहमान की बेइज्जती नहीं करते हैं, वरना मार तो मैं भी सकता हूँ। अच्छा, चल आईडी कार्ड मुझको दे। मनु दादा प्लीज मुझसे आईडी कार्ड मत लीजिए प्लीज। अच्छा, ले लिया तो ले लीजिए, लेकिन मुझे छोड़ दीजिए, मुझे ऊंची जगहों से बहुत डर लगता है। क्या बात, क्या है? बबलू मनु, अब मैं बबलू की जिंदगी जीऊंगा,
और तू मन्नू की मौत मरेगा। अगर पुलिस की गोलियों से नहीं मरा तो मैं मारूंगा। बस एक बार अपने दुश्मनों से बदला ले लूं और अपना माल वापस हासिल कर लूं। ओके। मनु दादा, आप मेरा ये आईडी कार्ड लेके बहुत दिन तक नहीं बच सकते। एक ना एक दिन पुलिस आपकी असलियत का पता चल ही जाएगा, क्योंकि इस आईडी कार्ड पर मेरे अंगूठे का निशान है और आपके अंगूठे का निशान मेरे अंगूठे के निशान से अलग अलग होगा, अलग अलग होगा। राइट, तो बिल्कुल ठीक कह रहा है। फिर जितना तू शक्ल से बेवकूफ लगता है उतना तू बेवकूफ है नहीं। हम दोनों की शक्लें तो एक जैसी हैं, मगर अंगूठे के निशान अलग अलग हैं। चलो ये फर्क भी मिटा देते हैं। कैसे? आपको जल नहीं रहा? ये क्या कर रहे हैं? अरे ये क्या कर रहे हैं? मुझको तो जलता है ना। अरे नहीं कीजिए। अरे रे रे रे। जेल से भागे हुए मन्नू का कोई पता नहीं है। पुलिस इज टोटली कंफ्यूज्ड। मैं मेरे को समझ नहीं आई कि ये हुआ क्या है। बट सोनिया, मुझे तो लगता है कि मनु और बबलू एक ही आदमी है। पुलिस से बचने के लिए उसने हमारे होटल में नौकरी करने का ढोंगरा चे रखा है। रवि, तुम कितने शकी हो। अरे बबलू को तो खाना बनाने के सिवा कुछ आता ही नहीं, वो क्या किसी का खून करेगा? सोनिया, दरअसल और क्या तुमने भोले भाले बबलू की आंखें देखी हैं? आंखें? वो आंखें सिर्फ प्यार कर सकती है, सिर्फ प्यार। मैं भला अपनी बावर्ची की आंखें क्यों देखने लगा? लेकिन सोनिया, लगता है कि तुमने अपने बावर्ची की आंखें ज्यादा करीब से देखी हैं। मैं जानती हूँ तुम क्या कहना चाहते हो। वैसे भी मेरे पास इन फजूल बातों के लिए वक्त नहीं है, मैं जा रही हूँ। सोनिया, कहाँ जा रही हो? बबलू के घर। बबलू के घर? सोनिया, ये बबलू बाहर आओ, मैं जानती हूँ तुम अंदर हो। ये वही लड़की है ना जिससे तेरा चक्कर चल रहा है? सुना है बहुत नमकीन है, चक्कर देख लेते हैं। जाओ। अगर अब तुमने दरवाजा नहीं खोला तो मैं खिड़की तोड़ दूंगी। ओह, कितनी देर कर दी तुमने बबलू, अब तक नाराज हो तुम? हाँ, कम ऑन बबलू। I'm so sorry. Wow. My. मूड तुम्हारा खराब होगा बबलू, लेकिन कपड़े तो तुमने बहुत अच्छे पहने है ना। अब तो मान जा बबलू। Oh, come on. अब हंसो भी। Smile. Now that's a good boy. चलो मैं तुम्हें लेने आई हूँ। कहाँ? होटल। और कहाँ? किचन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। चलो एक होटल में क्यों? यही मेरे घर में रुकते हैं ना। बबलू, बिहेव योरसेल्फ प्लीज। चलो, मुझे देर हो रही है, होटल चलते हैं। कम ऑन, बिहेव योरसेल्फ प्लीज। चलो। एक मिनट, सोनिया। अब क्या? घर तो बंद कर लो। नो, चलो। टैक्सी। Yeah!
morning, madam. Morning, Anita. Register. Yes, thank you. Good morning. Good morning, Babu. That's right. That's right. That's right. Sweetie. I love Kirla. Bablu? Niche? Niche utro. Oh, yeah. Anita. Andar chalo, batati hu. Chalo. जानते हो बबलू, आज तुम बड़े माचो लग रहे हो। तुम फिर शुरू हो गए। बबलू प्लीज, तुम क्या कर रहे हो? बबलू, देखो, लंबा आ जाएगा। मेरा कॉल आएगा तो बुला देना। Don't forget, all right? आ गए आप, bloody idiot! तू समझता क्या आपने आपको? अपनी मर्जी से आता है, अपनी मर्जी से जाता है। सोनिया, what do you think of yourself? आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहा है मुझे? साले ये तेरे बाप की जागीर तो लगा क्या? सॉरी देखो अगर तुम्हें यहाँ काम करना है तो ठीक ठीक बता दो, अगर नहीं करना है तो जा जा। I'm sorry, Ravi. ये बेचारा उस कमीने मन्नू के चक्कर में फंस गया था। You must understand, ये फिर नहीं होगा, है ना बबलू? Yes. ठीक है सोनिया, चूंकि तुम कहती हो तो मैं मान लेता हूँ, नहीं तो चाय बनाओ। Come Sonia, I want to talk to you. You see, Sonia. Very nice earrings. बहुत खूबसूरत लग रही हो। खैर छोड़ो, दो बातें तुम्हें। चाय ठंडी चाहिए या गरम? टफर, चाय कभी ठंडी पी जाती है? What a wonderful bracelet. बबलू, ये क्या किया तुमने? शक्कर कम थी क्या? अब मैं तेरी बोली बोलता हूँ साले, बहुत होशियार समझता है आपको। रवि, रवि प्लीज। सोनिया वेट अ मिनट, लेट मी हैंडल दिस। तेरी औकात ही क्या है? बबलू, साले बावर्ची की औलाद। ऊपर है। एक घुमा के दूंगा ना, साला सीधा ऊपर पहुंच जाएगा। चल अबे काम कर, पैर पकड़ के माफी मांग। बबलू ये सब क्या हो रहा है? रवि नीचे आओ। कैसे आओ? बबलू स्टॉप इट, स्टॉप इट, स्टॉप इट, स्टॉप इट, स्टॉप इट, बंद करो ये सब, क्या कर रहे हो? स्टॉप दैट नॉनसेंस, ये मेरा ऑफिस है, कोई अखाड़ा नहीं है जहाँ तुम मारा मारी करोगे। यू गुंडा सोनिया, I'm sorry, Sonia. मैं तो लामा जी को कहता रहा मेरे मुंह में मत मारो, लेकिन उन्होंने मेरी बात ही नहीं सुनी। अब मेरे भी तो बर्दाश्त की हद है। मरता क्या ना लामा जी, अगर आपको मुझे मारना है तो दिल खोल के मार। You stay here. Ravi, you go. तुम जाओ। देख, अगर सोनिया नहीं होती ना तो आज मैं। I know. रवि, अब तुम चले जाओ। जाना नहीं। जाओ तुम। जाना नहीं। तुम्हें हो क्या गया है? तुम्हारा ये रूप मैंने पहले कभी नहीं देखा। तुम ऐसे तो नहीं थे। बेबी, कब आएगी? मैं तुझसे कहा करती थी ना बेटे, खाया कर, कसरत किया कर। आज अगर तेरे शरीर में जान होती तू भी अपने बाप की तरह पहलवान होता। तू मनु उसके आदमियों की मजाल थी कि हमारे घर में घुसकर तेरी हालत करते?
बेबी तू फिक्र मत कर, रो मत बेबी, मैं तुझे दुखी नहीं देख सकता। आंसू तेरी आंख में मन्नू दादा की वजह से आए हैं ना, अब देखना मैं अपना 8 ग्राम का भेजा उसके खिलाफ कैसे इस्तेमाल करूंगा। अगर वो बबलू बन सकता है तो क्या मैं मन्नू दादा नहीं बन सकता? बन सकता हूं ना। अब मैं उसी का खेल खेल कर उसको ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो तेरे सामने घुटने टेक कर तुझसे माफी मांगेगा। ये मेरा वायदा है बेबी, तेरी सौ, बस तू मत रो। जी तेरे पुत्र, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है बेटा। बबलू कहाँ है? अंदर सो रहा है। सोए तो तुम थे बेवकूफ। जाओ बबलू को ढूंढो अंदर, अंदर जाओ जाओ जाओ। बबलू हाँ ढूंढो उसे। अंदर नहीं है बस। अगर शाम तक वो नहीं मिला तो यहां से तुम दोनों की लाश जाएगी। जाओ 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 बबलू, बबलू बबलू बब 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 गर्मी के अंदर लेदर कोट पहना हुआ है, सब लोग मुझको देख रहे हैं। सोनिया, अरे रुपए का सिक्का। गुड मॉर्निंग होटल मैरिटिम। अनीता अनीता सोनिया जी का फोन दो। आप कौन बोल रहे हैं? मैं मन्नू बबलू बोल रहा हूँ। बबलू बबलू सोनिया होल्ड ऑन। ओके 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 आप कौन बोल रहे हैं? बबलू तो अभी मेरे सामने से निकला है, वो भी सोनिया जी के साथ। नहीं अनीता, वो बबलू मैं ही हूँ। बबलू द बावर्ची, याद नहीं मैं तुम्हें पाइनएप्पल पेस्ट्री देता हूँ हर रोज। व्हाट नॉनसेंस, अगर आपने यहाँ दोबारा फोन किया तो मैं पुलिस में दे दूंगी। इडियट। हेलो 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 मन्नू। कौन बोल रहा है? लिली। लिली लिली कौन? मैं तो अनीता से बात कर रहा था भाई। अनीता? अनीता कौन? रिसेप्शनिस्ट। ओ तो लिली छोड़कर तुम्हारी जिंदगी में अनीता आ गई है। अरे नहीं नहीं, ना लिली है ना। आप कहाँ से बोल रही है प्लीज? मन्नू तुम्हारे पीछे से बोल रही हूँ। मेरे पीछे? मन्नू मजाक छोड़ो। मन्नू मन्नू लिली। हाँ लिली। I am so silly. क्या कर रहे थे यहाँ? मैं तुम्हें फोन कर रहा था, तुम्हारी बहुत याद आ रही थी ना। मन्नू
मन्नू, यहाँ चारों तरफ पुलिस फैली हुई है। हाँ, तभी तो मैं यहाँ पर छुपा हुआ था। तो चलो जल्दी। हाँ, ये क्या कर रहा हूँ? क्या कर रही है यहाँ पे? अरे क्या कर रही है, बहुत अंधेरा है। अरे ये क्या कर रही है, कान में जबान क्यों डाल रही है? बहुत गुदगुली हो रही है। क्या जमाना आ गया भाई, ये टीवी और फिल्म ने पूरे देश का बेड़ा गर्क कर दिया। मन्नू, चलो। अच्छा अच्छा, गैरेज में गाड़ी ठीक करवानी है। नो प्रॉब्लम। ये कहाँ है? ये तो मैं कहूँगा एक। क्या हो गया है तुम्हें मन्नू? मन्नू, क्या हो गया है मुझे? क्या क्या हो गया है मुझे? कुछ भी नहीं। जब इतने साल जेल में रहने के बाद मुझे कुछ नहीं हुआ, तो अब क्या होता है? तुम तीनों की आंखें खराब हो गई हैं। कौन है? हमसे गलती हो गई मन्नू दादा, हमें माफ कर दो मन्नू दादा। वो बबलू अपने हाथ से निकल गया मन्नू दादा। बहुत टूटा मन्नू दादा, कहीं नहीं मिला मन्नू दादा। अरे तो यार एक मौका और दे दीजिए मन्नू दादा। मन्नू दादा एक मौका और दे दीजिए मन्नू दादा, मेरे छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, मेरी बूढ़ी माँ है, माफ कर दो मन्नू दादा। अरे पैर तो छोड़ यार। तुम तो जानते हो कि मन्नू दादा कभी भी किसी को भी माफ नहीं करता है, है ना देवी? और अगर तुमने गलती की है तो इसकी सजा भी तुम्हें जरूर मिलेगी। नहीं, तैयार हो जाओ। ये लो। ये क्या है? कितने गोलियां हैं? सरकार मुझे मालूम नहीं। तो फिर मुझको क्यों दी यार? पकड़ो। अब गलती तो इंसानों से होती है ना यार, तुमसे होती है, तुमसे होती है, मुझसे भी होती है। अब अगर बबलू भाग गया है तो भागने दो, डोंट वरी। मुझे तो लगता है इसमें भी कुछ भलाई होगी। अब अगर बबलू तुम्हारे हाथों से निकल गया है तो जाने देना यार, डोंट वरी। तुम भी जाओ, अब जाओ ना यार। हाँ रुको। देखो अब तुम जा ही रहे हो तो अपनी माँ को मेरा प्रणाम कहना, और ये अपने बच्चों को ये ग्लूकोस डी के बिस्किट देना मेरी तरफ से। ओके बाय। आप मनु दादा नहीं है। अरे यार प्लीज ये बात किसी को बताइएगा मत। आप तो भगवान तो भगवान है। चाओ यार चाओ, कम कम चाओ 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 चाओ। तुम लोग भी जाओ यार, तकलिया तकलिया। सलाम। सोनिया, तेरी अच्छाई ने तो मार डाला मन्नू, आज मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगी। से कुछ भी नहीं मिलता। आओ डार्लिंग, हम दोनों अब खुल मिलकर रहेंगे,
आओ डालें हम दोनों अब कुल मिलकर रहेंगे, आओ डालें हम दोनों अब कुल मिलकर रहेंगे, तुम हमें गुड कहना हम तुमको वेरी गुड कहेंगे। छोटी बातों पे चिढ़ना बिगड़ना, अरे समझो समझो इन बातों से कुछ भी नहीं मिलता। आओ डार्लिंग हम दोनों अब घुल मिल के रहेंगे, आओ डार्लिंग हम दोनों अब घुल मिल के रहेंगे, आओ डार्लिंग हम दोनों अब घुल मिल के रहेंगे, तुम हमें गुड कहना हम तुमको वेरी गुड कहेंगे। लड़ना झगड़ना झगड़ के अकड़ना, छोड़ो छोड़ो इन बातों को इनसे होगा क्या। सॉरी तुम हमको बोलो सॉरी, हम तुमको बोले सॉरी तुम हमको बोलो सॉरी, गुस्से कपड़े नहीं तुम पर कोई दौरा या कोई दौरी। ओ डार्लिंग मेरी बात को तुम समझो ना, बाहों में हमें तुम ले लो हूँ पास तुम्हारे जब हम, बाहों में हमें तुम ले लो हूँ पास तुम्हारे जब हम, तुम हमको बोलो थैंक यू हम तुमको बोले वेलकम। ओ डार्लिंग ऐसा होगा तुम ही कहो। लड़ना झगड़ना झगड़ के अकड़ना, छोड़ो छोड़ो इन बातों को इनसे होगा क्या। हम दोनों की हो मैरिज और मैरिज का हो फंक्शन, हम दोनों की हो मैरिज और मैरिज का हो फंक्शन, चेहरे के बल्ब हो जलते हो दिल का दिल से कनेक्शन। ओ डार्लिंग मेरी बात को तुम समझो। मैं घर से जब भी जाऊँ तुम कहो मुझे गुड बाई, मैं घर से जब भी जाऊँ तुम कहो मुझे गुड बाई, मैं लौट के जब घर आऊँ तुम बोलो डार्लिंग हाय। ओ डार्लिंग ऐसा होगा तुम भी कहो ना। हम दोनों अब घुल मिल के रहेंगे, आओ डार्लिंग हम दोनों अब घुल मिल के रहेंगे, आओ डार्लिंग हम दोनों अब घुल मिल के रहेंगे, तुम हमें गुड कहना हम तुमको वेरी गुड कहेंगे। लड़ना झगड़ना झगड़ के अकड़ना, छोड़ो छोड़ो इन बातों को इनसे होगा क्या। धोखेबाज झूठा जंगली मनु। कहाँ क्या कर रहे हो? मैं गाड़ी से बाहर निकल रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? मनु आता अपनी मर्जी से है और मनु जाता भी अपनी मर्जी से है। अकेले लिली बहुत खतरा है। कहाँ? चारों तरफ कोहरा। 20 साल बाद 2 गज जमीन के नीचे चीख। हेलो, ये जमीन पे क्या ये यही है मेरी दुख भरी कहानी। डोंट वरी दिक्रा, गॉड इज विथ यू। इट इज बेटर टू हैव लव्ड एंड लॉस्ट देन नेवर टू हैव लव्ड एट ऑल। Tissue! Napkin!
सोनिया, मैं वो नहीं हूँ जो तुम सोच रही हो, ओके? गेट आउट। और वो तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ जो आप समझ रही हैं, क्या कर रही हैं अभी? सोनिया। खबरदार, जो मेरा नाम अपनी गंदी ज़बान से लिया तो यू मॉन्स्टर। मॉन्स्टर? कौन मैं? यस। मैं बबलू हूँ, तुम्हारा बबलू। यू झूठा। कौन मैं? मैं झूठा? झूठा मैं नहीं, झूठा वो है मन्नू दादा जो तुम्हारे साथ घूम रहा था, मेरा हम शक्ल डुप्लीकेट। कितना 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 झूठ बोलोगे तुम? सोनिया, सोनिया, सोनिया। मेरा यकीन करो प्लीज। नहीं, मत दिखाओ मुझे अपनी ये भोली भोली आंखें, इन्हीं आंखों ने मुझे पहले भी धोखा दिया है। नहीं, तुम्हें मेरी आंखों में देखना होगा। नहीं। देखो मेरी आंखों और बताओ, क्या ये आंखें तुम्हें कभी पूरी नजर से देख सकती हैं? ओह गो अवे, चले जाओ यहाँ से, तुम जो भी हो, बबलू, मन्नू, टकलू, चले जाओ, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, प्लीज हैव मर्सी ऑन मी। ओके, अब मैं टकलू हो गया, लेकिन जाने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि ना मैं मन्नू हूँ और ना ही वो टकलू हूँ, नेवर। मैं तो बबलू चौधरी हूँ और मेरी उम्र 25 साल है। 26 साल है, 26 साल है, ओके। और मेरी जिंदगी में तीन सपने हैं। मेरा पहला सपना है कि मैं अपनी बेबे, मेरी माँ, उसे बहुत खुश रखूं। और मेरा दूसरा सपना है कि मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा बावर्ची बन जाऊं। और मेरा तीसरा सपना है कि मैं सोनिया, सोनिया कपूर से बहुत 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 प्यार करूं और उससे शादी कर लूं। Looks like another severe case of honor. अरे यार प्लीज, नहीं। ओके 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 सोनिया, ओके। जब तक मैं ये साबित नहीं कर देता कि मैं मन्नू दादा नहीं हूँ और मैं बबलू चौधरी हूँ, तब तक मैं तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। बबलू, तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिले? जब भी गाड़ी, पैसा, आ जा सबूत, मुझे जाना है, लेकिन मैं वापस आऊंगा। I love you and I love you too. Thank you very much, auntie. Bye. जल्दी आना। Hey. Yes. Monster. बबलू, बाहर आ जाओ बबलू, वरना मैं तुम्हें मारूंगा। बबलू, भरत, इतनी पी गया कि अपने आप को आवाजें दे रहा है तू? कौन? तेरी माँ। इतनी पी गया कि अपनी माँ को नहीं पहचानता? हाँ, तेरी माँ हूँ मैं, माँ हूँ तेरी। ये शर्म, बाप दादा का नाम मिट्टी में मिला गया, शराब पीने लग गया। उठ उठ उठ, मैं कहती हूँ अभी उतार दियो, मैं तेरा नशा, मैं वहाँ तेरे यात्रा करती हूँ, तेरे पूजा पाठ करती हूँ, तू यार शराब पीता है, निकल जा बाहर। ये शर्म कहीं का मर जानिया, खुदिया मुझसे पूछता है शराब पीकर मेरे सामने अगर मुझसे पूछता है कि मैं कौन हूँ? हाँ, अब समझ में आया मैं कौन हूँ? तेरी बेबे हूँ मैं, बेबे। ओह,
इंजन गर्म हो गया है। हम देख लें इंजन। ओह प्लीज। आउच। वेल डन लिली। जान तुम अंदर जाओ, इनको मैं संभालती हूँ। ओके। बबलू भाग गया है, बढ़िया ने मुझे मारा, लेकिन मनु नहीं हारेगा, नहीं हारेगा। सलाको, अब तेरी बारी है। Just take the heat of me, I'm burning. Just take the heat of me, I'm burning. मनु, आजा। खुद ही आ गया मौत के मुंह में, अब नहीं बचेगा। आजा आजा। Hands up, hands up. गवाही दी थी ना तूने पुलिस को मेरे खिलाफ, अब देखना तू कुछ भी देने के काबिल नहीं रहेगा। सवाल है शलाको। ओह माय गॉड, लड़की बाजा बाजा। ए कोई मेरे कमरे ला। हैंड्स अप। हेलो, नहीं वो फोन पे नहीं आ सकते, अभी नंगे हैं। शलाको, पानी से बाहर मत निकलना वरना क्या करेगा, गोली मार देगा। अरे तुमने कुछ पहना नहीं है यार। अरे लेट्स गेट द मनी। ऊपर वाला चप्पी देता, पूरा छप्पड़ फाड़ के देता। ए, को हाथ मत लगाना, वो मेरा पैसा है। अरे तेरा है तो बाहर अकेले ना। मनु मनु लिली बैक आ, तुम्हारे पास है। अरे नहीं, तुम्हारे पास, तुम्हारे पास है। शलाको तुम्हारे पास बैग है। शट अप, एकदम यूज़लेस आदमी यार, मैं कुछ करता हूं। मिल गया, जल्दी तुम दोनों को छोड़ दो। शलाको, मुझे मालूम था कि मेरा पैसा लेने के बावजूद भी तू मुझे मारने की कोशिश करेगा। पागल हो गया क्या शलाको? क्यों अपनी मौत को दावत दे रहा है? चुपचाप से मेरे हिस्से का माल वापस कर दे। माल वापस चाहिए? पागल हो गया क्या? याददाश्त चली गई तेरी? अब याद आया? साले 10 मिनट पहले उस लड़की के साथ में मेरे नंगे होने का फायदा उठा के तू मेरा माल लेके भाग गया था। कौन सा माल? दूंगी तू बताएगा अभी, तेरा बाप भी बोलेगा। मेरा माल कहाँ? अरे आजा, थूक लगा गया। हम दोनों शानों को थूक लगा गया। आजा। कौन थूक लगा गया? दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ बबलू। हम दोनों का माल लूट कर चला गया और शलाको और मनु दादा तालियां बजाते रह गए। जरा सोच, अगर तेरा माल मैंने लिया होता तो क्या सूद समेत तेरी जान भी नहीं ले जाता? तेरे इस हाथ में जिसमें मौत की लकीर नहीं है, मौत की लकीर नहीं खींच देता? Take the heat of me.
बबलू। शुक्रिया मेहरबानी करम मेरे महबूब मेरे सनम, शुक्रिया मेहरबानी करम। कब मैंने ये सोचा था, कब मैंने ये जाना था, तुम इतने बदल जाओगे, तुम इतना मुझे चाहोगे, तुम इतना प्यार करोगे, तुम यूं इकरार करोगे मेरे महबूब मेरे सनम। शुक्रिया मेहरबानी करम मेरे महबूब मेरे सनम, शुक्रिया मेहरबानी करम। पहले तो नहीं महकी थी आंचल की हवाएं, पहले तो नहीं आती थी तुमको ये अदाएं, आज कितने हसीन है सितम। शुक्रिया मेहरबानी करम मेरे महबूब मेरे सनम, शुक्रिया मेहरबानी करम। तुम कितने बदल जाओगे, तुम कितना मुझे चाहोगे, तुम इतना प्यार
महबूब मेरे सनम, शुक्रिया मेहरबानी करम। मेरे महबूब मेरे सनम, शुक्रिया मेहरबानी करम। बहुत गुस्से में लगता है, बहुत मारेगा यार। बॉस बॉस बबलू मिल गया। हाँ बबलू मिल गया। मैं बबलू नहीं, बल्लू। सीधा खड़ा रह सीधा, वरना भेजा उड़ा दूंगा, समझा? हाँ मैम, उधर से आओ, कम विद मी, मेरे पीछे आओ। लिली तुम जैकेट पहनाओ। एवरीबॉडी पकड़ लिया। ओके मेरा मतलब उसे पकड़ लिया। लिली डार्लिंग जैकेट। तो बबलू साहब आए। ए चुप, बबलू मैं नहीं, बबलू तू है। सीधा खड़ा रह सीधा, बॉस के सामने हाथ नहीं करने का, समझा? तो भाइयों ये कह रहे हैं कि ये मन्नू दादा हैं और मैं बबलू हूं। मैं बबलू। चलो देख लेते हैं। बबलू उसे पकड़ के रखो ना यार, आई मीन होल्ड हिम। क्या कर रहे हो तुम? होल्ड हिम और उसकी जेबों की तलाशी लो। हाँ उसकी जेब टटलो। हाँ हाँ टटलो, नीचे नीचे। अरे फेंकना यार। ये पुलिस का आइडेंटिटी कार्ड, ये साफ साफ कहता है कि तुम बबलू चौधरी हो, क्योंकि अगर मैं बबलू होता तो ये मेरे पास होता नहीं। लेकिन ये किसकी जेब से निकला है? इसकी। तो ये कौन है? बबलू। और मैं कौन हूँ? मन्नू। एक बार फिर, ये कौन है? बबलू। मैं कौन हूँ? मन्नू। देखा देखा देखा। लिली लिली देखो ये सब बेवकूफ मुझे नहीं पहचान रहे, लेकिन लिली लेकिन तुम तो मुझे पहचानो ना। देखो मैं तुम्हारा मन्नू, ये बबलू है। बबलू ये मन्नू। नो 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 लिली मैं मन्नू। एक मिनट, आराम से। मन्नू 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 मन्नू। मन्नू तुम्हारा मन्नू, मन्नू दादा। लिली लिली एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेते हो। ओह यस ब्लडी डुप्लीकेट 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 लिली लेट्स गेट सिली डुप्लीकेट 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 डुप्लीकेट। अभी सब तक लिया। ओके बॉस। हे उसे पकड़ के अपने साथ लेकर जाओ यार। गो। बहुत भारी पड़ेगा, बहुत भारी पड़ेगा मुझे बबलू बनाना। अब तेरा क्या होगा मन्नू? बबलू दोबारा इधर मत आना, समझा? अगर दोबारा इधर आए ना साले, जिंदा बच के नहीं जाएगा, समझे? बहुत जलील हुआ मन्नू दादा, बहुत जलील हुआ तू। बहुत महंगा पड़ेगा मुझे बबलू बनाना, बबलू। माँ कसम अब तू गया।
माँ नशा उतर गया तेरा, लगता है थोड़ी बाकी है। काले कुपड़े अजीब से कपड़े पहनकर आ गया और मुझे बेबी की जगह तू माँ बोल रहा है। बेबे कल रात को मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, अपने बेटे को माफ नहीं करेगी? हाय, माँ तो दुश्मन को माफ कर देती है बेटे, तू तो मेरी औलाद है, मेरा बच्चा। तो चल देख, मैं तेरे लिए कितना अच्छा सूट लेकर आया, ये ले पहन कर जल्दी से तैयार हो जा। इतना महंगा क्यों लाया तू? बेबे तू अगर चाहती है कि जो मैं चाहता हूँ मुझे मिले तो तुझे मेरे साथ चलना होगा। जरूर चलूंगी बेटे जरूर, लेकिन जाना कहाँ है? दौलत को लाने। दौलत? उसका नाम है तेरी होने वाली बहू का। हाय रब्बस। लेकिन बेबे वो कहती है अगर तू मेरे साथ नहीं होगी ना तो वो मुझसे मिलेगी भी नहीं। कैसे नहीं मिलेगी, वो जरूर मिलेगी, मैं जरूर चलूंगी तेरे साथ। मैं अब भी तैयार हो गई थी बेटे। मनु तुझे मारा अब मेरा सही होगा, ला 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 ला। हेलो मनु बोल रहा हूँ। मेरा अड्डा तेरे कब्जे में है, मेरे आदमी तेरे हो गए और यहाँ तक कि लिली भी तेरे साथ है। लेकिन कोई बात नहीं क्योंकि तेरी बेबी मेरे पास है। नहीं, अगर तू मेरा माल लेकर डॉक्स के गेट नंबर 1 पर अभी अभी ना पहुंचा तो मैं तेरी बेबे के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। नहीं मनु, अरे जल्दी करना, मीटर चल रहा है। सुना मेरी बेबे की आवाज? अच्छा अच्छा बेबे दौलत, आई लव यू टू। मनु दादा मेरी बात, मनु दादा मेरी बेबी को छोड़ दो। मनु दादा, मनु दादा आप गाड़ी गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, अरे जल्दी करना मीटर चल रहा है। बबलू बबलू, ओ चलो उनके पीछे। हेलो हेलो मनु दादा, तो तुम बबलू हो जी? क्या कह रहा था मन्नू तुम्हें? मन्नू दादा कह रहे थे कि मेरी बेबी मेरी माँ उनके कब्जे में। मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछना चाहता कि हम मर्दों की लड़ाई में उन्हें मेरी माँ को बीच में लाने की क्या जरूरत है? मेरी भी तो उनसे दुश्मनी है ना, लेकिन क्या मैंने कभी आपके साथ बदतमीजी की? कभी इस बात का नाजायज फायदा उठाया कि आप भी मुझे मन्नू दादा समझती हैं? और अब भी मैं चाहूं तो आपको ले जाकर अपनी अपनी बेबे को छुड़ा सकता हूं, लेकिन मेरी मेरी बेबी ने मुझे सिखाया है कि अच्छे लोग औरतों की इज्जत करते हैं। I'm sorry. बस यही रहो, ऐसी उजाड़ जगह में मुझे तू ले आया। हाँ बबलू, ऐसी वीरानी में रहती है तेरी दौलत? हाँ रहती नहीं है बेबे। तो फिर यहाँ पर आने वाली है? हाँ आने वाली है। अच्छा अच्छा अच्छा, आ गई। अभी बता दियो बबलू, कहाँ थे तुम? हाँ पता है, हम तुम्हें दो दिन से ढूंढ रहे हैं, कितने परेशान हो गए हम, यहाँ ढूंढा वहाँ ढूंढा, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा,
You know, it's like looking for a black cat in a dark room. Who's just not there? Cat? Yes. Stupid. कितनी सोनी है मेरी बहू, ऊपर से चटर पटर अंग्रेजी भी बोलती है। बेबे, I'm so sorry सासु जी। जी फिरो बुतो फलो बेटी। अच्छा। क्या है? तुम्हें कैसे मालूम कि यही बबलू है? उसकी माँ है उसके साथ। Can't you put two and two together? What's happened to your logic, लांबा? आओ तुम्हें कंफर्म करा देती हूँ, कम। माँ जी, बेबे, ये है हमारे जनरल मैनेजर मिस्टर लांबा। अच्छा अच्छा अच्छा। रवि, पैर छो, छो। जी तेरे बेटा। चलता हूँ, तुम्हारी जिंदगी से बहुत दूर। All the best. लांबा। हाँ। सुनो, थैंक यू सो मच भैया, आपने मेरे लिए बस, बस, और कुछ मत कहना भैया। हाँ, बाय भैया। भैया, मनु, जल्दी करो यार, क्विक 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 क्विक। देखो, प्लान नंबर वन तुम राइट से जाना, प्लान नंबर टू तुम लेफ्ट से जाना। राइट सर। राइट नहीं, लेफ्ट। कोई शक, कोई सवाल? नो। देन गो। एक सवाल। क्या? आप कहां से जाओगे? मनु दादा आज सिर्फ ऊपर जाएगा। और मैं कहां जाऊं? तुम लेफ्ट से जाओगे यार। राइट सर। राइट से नहीं, लेफ्ट से। और देखो, प्लान नंबर थ्री, अगर तुम्हें वो बबलू का बच्चा कहीं भी दिखाई दे तो तुम लोग छलांग मार कर उसको पकड़ लेना। अगर ना मिला तो उसको ढूंढते रहना यार। ओके बॉस। आओ। तक लिया। मनु। बेबी, बेबी, कहाँ चली गई? बेबी, बबलू, ले आया पैसे? ये रहे। गुड। अब इस बैग को इस पुली पे टांग दे। नहीं, पहले ये बताओ मेरी बेबी कहाँ है? तेरी बेबी अपनी होने वाली बहू के साथ बातें कर रही है। बहू के साथ? देख, देखो डर। बेबी, तू ये बता, तुझे क्या क्या पकाना आता है? पकाना तो मुझे कुछ भी नहीं आता, पर क्या क्या पकाना है उसकी लिस्ट बनानी आती है। सोनिया, अब डाल पैसा पुली पे डाल। अच्छा अच्छा, एक मिनट, जल्दी कर। यहाँ पर कैसे खींचे ना? आजा। वैसे तू बहुत ही ज्यादा बेवकूफ है बबलू, अब तेरे हाथ से ये पैसा भी गया, तेरी सोनिया भी और बेबे भी। क्या मतलब? मतलब साफ है, ये बंदूक दो निशाना, ये गोली तेरा सीना। अब बबलू मरेगा और मन्नू ऐश करेगा और तेरी सोनिया से शादी भी करेगा। धोखेबाज, मैं कभी ऐसा होने नहीं दूंगा। बेबे, सोनिया, बेबे। तेरी सास ने ना ये दो कड़े दिए थे और बड़े बड़े झुमके। हाँ। अरे इधर सोन, तू मेरे जेवर पहनेगी? हाय पर बॉल। हाँ चला। क्या कर रहे? बेबे।
सोनिया बेबे फंस गई मछली कांटे में। अरे नहीं 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 आई पकड़ो अभी चलाओ बबलू अब तू नहीं बच सकता। मैं बबलू नहीं तुम्हारा मन्नू दादा हूँ। बबलू वो है बेबे सोनिया देखो वो भागा है जाओ उसे पकड़ो जाओ यहाँ से। ओके ओके के बच्चे वो लटक नहीं रहा है वो फंस गया। कहाँ है मन्नू कहाँ है? उसी को ढूंढने आए वो देखो। चलो इंस्पेक्टर जल्दी करो वो रहा देखो। ए मनिया तुझे नीचे से घेर लिया है अब कोई बेवकूफी मत करना। साले बीच हवा में लटक रहा हूँ इससे ज्यादा बेवकूफी और क्या कर सकता हूँ। ये मनु नहीं ये बबलू है। एक्सक्यूज मी ये पता लगाना कि ये मनु है या बबलू ये मेरा काम नहीं है ये आप लोगों का काम है। नाउ से सॉरी। व्हाट? हाँ सॉरी बेबे सोनिया। अरे सोनिया बेबे अरे ये वहां पर क्या कर रहे हैं? ओ गलत बबलू की मदद कर रहे हैं ये सोनिया बिना बिल्कुल खींचो 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 सर इसका आईडी कार्ड चेक कर ले। लटके हुए आदमी का आईडी कार्ड चेक करेगा तू? आईडी कार्ड चेक करेगा तू? अगर आपने दोनों में से किसी एक को पकड़ लिया होता तो कंफ्यूजन थोड़ी कम नहीं हो जाती? इट्स कॉमन सेंस। इट्स नॉट ऑल दैट सिंपल मिस्टर लामा। आजा अरे आजा आजा जल्दी। ऑल राइट बबलू पागल तो नहीं हो गए? हां लगी तो नहीं ना तुम ठीक बोल ना कहीं लगी तो नहीं क्या? लग गया तो नीचे के देखला बड़ा हो गया है नहीं देखते तो देखकर क्या होगा। बस चलो सेव कर ले तुम्हारी अपना मनो तू अपने पुत्र नु नहीं पहचान रही? मैं बबलू हूँ वो मन्नू है और तू मुझे ही मारे जा रही है मुझे ही मारे जा रही है। मेरा पुत्र बबलू मेरा लाल तू मेरे माफ कर दे माफ कर दे। तभी मैं सोची लुच्चा मुझे ऐसी वीराने में क्यों लाया कुत्ता कमीना तू। सिर्फ धोखेबाज नहीं मैं तो उससे भी ज्यादा बहुत ज्यादा कमीना हूँ। ओके ओके तुम लोगों ने मेरा असली रूप तो देखा ही नहीं। ए क्या मतलब? मतलब साफ है बबलू ये जो पुलिस तुमने नीचे मुझे पकड़वाने के लिए बुलाई है मैंने तुम उनके पास खुद खुद जाकर ये कहोगे कि तुम मन्नू दादा हो मैं वरना तुम्हारी इस नई नई दुल्हन को और इस पुरानी बेबी को मैं इस बंदूक से चलनी कर दूंगा समझे। शाबाश मन्नू दादा मैंने तो सुना था कि चोर उचक्के भी अपनी जबान के पक्के होते हैं लेकिन तुम तो उनसे भी ज्यादा गंदे निकले। याद है तुम ही ने कहा था कि अगर तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल जाएगा तो तुम मेरी बेबे और मेरी सोनिया को छोड़ दोगे। अच्छा ऐसा कहा था मैंने तो ठीक है तो इन दोनों को साथ में ले जा। ए मनिया अगर तू मेरी गोली से बचना चाहता है तो इन दोनों को मेरी तरफ भेज। बेबे तू सोनिया को लेकर जा। ऐसे कैसे छोड़ दू? ये दोनों तो मनु दादा के यहां से निकलने का टिकट है।
ज्यादा होशियारी मत कर वरना ये सब के सब तुझ पर गोलियां चला देंगे। अरे हाँ, गोलियां चलानी है तो चलाओ। मनु दादा किसी भी गोलियों वोलियों से नहीं डरता है, चलाओ। मैं सिर्फ 7 तक गिनूंगा और मेरे साथ गिनने पर अगर तूने इन लोगों को नहीं छोड़ा तो मैं गोली चला दूंगा। सोनिया, बेबे को लेकर यहां से चली जा। नहीं, अब तू नहीं बच सकता। तेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। अब तेरा खेल खत्म हो चुका है मनो। सोनिया प्लीज चल जा यहां से, बेबे जा यहां से। 2 3 बेबे सोनिया को लेकर जाओ यहां से प्लीज। 4 सोनिया जाओ यहां से। 5 कद्दू, ये क्या बालक कोविड नीडा। 6 जाओ ना प्लीज बाबला। जा यहां से, तुझे मेरी कसम। 7 जाओ। हिल्ला मत बबलू, बताओ मेरा पैसा कहां है। पैसे? अरे पैसे तो मेरे पास नहीं है। पैसे तो आप लेकर गए थे। नहीं, धोखा दिया तूने मुझे। मेरा पैसा नहीं, मुझे ये गाजर मूली और टमाटर दिया तूने। करेला भी था। बोल मेरा पैसा कहाँ है। इसका मतलब कि मेरा प्लान कामयाब हो गया। क्या मतलब मतलब ये मनु दादा। बेबी मेरे साथ आ, सोनिया तुम भी आओ। ए, इसको साइड में करो। हवा आंदे। ए मनु, तूने सुना है ना कि वो बगल में बच्चा और शहर में डिंडोरा। देख देखा बेबी, अपने बबलू के 8 ग्राम भेजेगा कमाल। वाह बबलू पुत्र, मैं मरी जाऊं। How clever, my hero. Villain. Yes. अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अभी नहीं। कोई सुझाव मिस इंग्लिश? हटो हटो, एक्सक्यूज मी, चलाओ गोली, शूट द गैंगस्टर। कैसे चलाए पता तो चले पहले कौन कौन है। मैं बबलू। कौन बताएगा? अरे मैं बताऊंगी। माँ जो हूँ, एक माँ ही बता सकती है कि उसका असली पुत्र कौन है। पकड़ मेरा हाथ बबलू। मेरे बबलू पुत्र की रगों में उसके पुरखों का खून दौड़ रहा है। वो एक पहलवान का बेटा है, कमजोर नहीं है वो। जो मुझे अपनी ताकत से अपनी तरफ खींच पाएगा, मैं उसी की माँ, वही मेरा बच्चा। बबलू पुत्र, ले रब दा नाम और खींच अपनी माँ को। हे भगवान। ओ गॉड हेल्प बबलू। ओ गॉड।
तू तो अंधा है अंधा, ये तो मन्नू दादा है। अरे असली बबलू मेरा पुत्र तो वो है। बबलू, मेरे बबलू, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं ना? बबलू, जो अपनी माँ के दर्द को बर्दाश्त न कर सका, माँ दर्द से चीखी तो अपने आप मेरे बच्चे ने हाथ छोड़ दिया। मेरा बबलू, मेरा बच्चा। बहुत हो गया नाटक, बहुत हो गया नाटक, बस। अगर किसी ने भी एक कदम आगे बढ़ाया तो भैया का भेजा उड़ा दूंगा। ए इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर बंदूक के नीचे, नीचे करो, बंदूक के नीचे, नीचे रखो, नीचे रखो, बंदूक के नीचे, नीचे, नीचे। मन्नू मेरी बेबे को छोड़ दे। नहीं बबलू, आगे नहीं बढ़ना। तेरी दुश्मनी मेरे से, मेरी बेबे को छोड़ दे मन्नू। नहीं आगे नहीं बढ़ना बबलू। मन्नू औरतों का सारा मतलब ही छोड़ दे। बबलू मत जा, तुझे लगना है तो मुझसे लड़। नहीं बबलू, तू मुझसे लड़, आगे नहीं बढ़ना, मुझसे लड़ बबलू। बबलू, मेरा पुत्र, मेरा बच्चा, तू ठीक तो है ना? मुझे माफ कर दो मन्नू, तुम्हारे साथ तुम्हारे काम करते हुए मैं भी तुम्हारी तरह हो गई थी। बबलू से मिलकर ये जाना कि अच्छाई क्या होती है। दुनिया में मन्नू और लिली की जरूरत नहीं है, इन जैसों की जरूरत है। I'm sorry मन्नू, I'm sorry. महबूब मेरे सनम, शुक्रिया मेहरबानी करम। मेरे महबूब मेरे सनम, शुक्रिया मेहरबानी करम। कब मैंने ये जाना था, मैंने ये सोचा था, कब मैंने ये जाना था, तुम इतने बदल जाओगे, तुम इतना मुझे चाहोगे, तुम इतना प्यार करोगे, तुम यूं इकरार करोगे। मेरे महबूब मेरे सनम, शुक्रिया मेहरबानी करम। मेरे महबूब मेरे सनम, शुक्रिया मेहरबानी करम। कब मैंने ये सोचा था, कब मैंने ये जाना था, तुम इतने बदल जाओगे, तुम इतना मुझे चाहोगे, तुम इतना प्यार करोगे, तुम यूं इकरार करोगे। मेरे महबूब मेरे सनम, शुक्रिया मेहरबानी करम।